19 और 20 सितंबर की दरमियानी रात फोटो जर्नलिस्ट अमित शर्मा और उनकी पत्नी के साथ हुई मारपीट के संबंध में आज पत्रकार साथियों ने मिलकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि अपराधियों की धरपकड़ जल्द ही की जाए एवं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक की गैर मौजूदगी में ज्ञापन उप पुलिस अधीक्षक एस बघेल ने लिया। बता दें कि 19 एवं 20 तारीख की दरमियानी रात को लगभग 3 बजे फोटो जर्नलिस्ट अमित शर्मा अपनी पत्नी को इंदौर से डायलिसिस कराकर रेलवे स्टेशन से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ उपद्रवी तत्वों ने आकर उन पर हमला बोल दिया। जिस जगह पर अमित शर्मा और उनकी पत्नी के साथ मारपीट एवं लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, वह यातायात चौकी से महज कुछ कदम की ही दूरी पर थी। वहीं इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि कुछ समय पूर्व इन्हीं लोगों ने शहर के कई स्थानों पर गाड़ियों के शीशे तोड़े थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर शहर में परेड भी कराई थी। वहीं इन आरोपियों पर यह भी आरोप है कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने नायब तहसीलदार के साथ भी अभद्रता की एवं मारपीट की, जिसके बाद राजीनामा हो जाने के चलते इन लोगों को छोड़ दिया गया। वहीं सभी ने मिलकर उप पुलिस अधीक्षक को यह भी बताया कि किस तरह से ये लोग गैंग बनाकर काम करते हैं। इन लोगों का मकसद शहर में दहशत फैलाना है, साथ ही इन आरोपियों ने बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सुपारी लेना भी प्रारंभ कर दिया। सूत्रों की माने तो इन उपद्रवी तत्वों के रक्षकदार एवं कुछ सफेदपोश लोगों से संबंध होने के चलते इन पर बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती, साथ ही इनमें से कईयों के ऊपर थाने में केस दर्ज होने के चलते ये लोग आदतन अपराधी भी बन गए हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि अमित शर्मा पर हमला करने से पूर्व नानाखेड़ी गेट के पास एक शराब की दुकान पर भी इन लोगों ने हंगामा किया था, जिसके बाद वहां से पुलिस कर्मियों ने इन्हें भगा दिया था। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन पुराने अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, वहीं ये नई टीम अपराध की दुनिया में कदम रख चुकी है, जिस पर अंकुश लगाना लगता है अभी संभव नहीं हो सकेगा। अब देखने लायक होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन इन सभी अपराधियों पर शिकंजा कस सकती है, जिसके चलते ये आगे किसी भी तरह की कोई वारदात को अंजाम न दे पाए। मिशन अंतर्गत निवेदन है कि 19-20 सितंबर की रात में करीब 3:10 बजे शहर के एवी रोड जस्टन चौराहा पर गुना के पास फोटो जर्नलिस्ट अमित शर्मा अपनी पत्नी श्रीमती तृप्ति शर्मा को लेकर गुना रेलवे स्टेशन से घर जा रहे थे। रास्ते में 7 गुंडों ने उनको रोका और मारपीट कर लूट को अंजाम दिया। उनकी पत्नी को भी बाइक पर बिठाने का प्रयास किया। इस घटना से हम सब चिंतित हैं। पुलिस की गश्त और फ्लैग मार्च के बाद भी गुंडे सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर में स्टेशन और चलती एवी रोड पर शहर के नागरिक सुरक्षित नहीं है। आरोपियों की पहचान होने के बाद भी घटना के 36 घंटे के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसको लेकर हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आपसे निम्न मांग करते हैं। पहली, मुख्य आरोपी विशाल रघुवंशी समेत 6 बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस गिरफ्त में ये बेटा है सर, जिनका गैंग है, इसने इसमें डाला है, फेसबुक पर डाला है, दादाओं के बाप है, जो गुना में दादा हो वो हमसे आके मिले, ऐसे हौसले बुलंद है सर। इसी के पहले जब मतलब यहाँ चौराहे पे आने के पहले इन्होंने नानाखेड़ी पे अपने किसी पुलिसकर्मी से, वहाँ पे कोई शराब की दुकान है उस पर उन्होंने हरकत करी, मारपीट करी, पुलिस कर्मचारी ने अपने वहाँ से उनको भगाया। अगर वो वहीं से उनको अगर रोका जाता या उनको पकड़ा जाता उसी दिन तो ये घटना ही नहीं होती। जब वहाँ से उनको भगाया तो वो वाली फुटेज भी हमको उपलब्ध कराई जाए, वो नानाखेड़ी वाली और स्टेशन स्थल की और बुल्लनपुरा चौराहे पर और लक्ष्मीगंज से हमारे सामने से ये क्रॉस हुए। मैं खुद पुलिस की सर्चिंग गाड़ी में बैठ करके उन्होंने नायब साहब तहसीलदार साहब को मारा था और फिर उनका समझौता करवा दिया गया था कोतवाली में। तो अगर वो घटना का वाकई में दर्ज होता और अपराधी को दंड दिया जाता तो हमारे साथ ये घटना आज को नहीं हो सकती। सर एक मिनट, सामने इस तरह के जो समझौते इतने बड़े अधिकारी के, घटना गंभीर है और जिन बदमाशों ने फरियादी के साथ जो घटना घटित की है उस पर धारा 395-397 IPC की थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कर लिया गया है और संदेहों की धरपकड़ के लिए टीम बनाई गई है और कुछ संदेहों को पूछताछ के लिए थाने पे बुलाया भी गया है और यथाशीघ्र इसका आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें सर पहले ही फिजा खराब की शहर की, इन लोगों में ऐसे भी लड़के हैं घटना में पहले शामिल रहे, उन सभी तथ्यों को विवेचना में जांच किया जाएगा और जांच में यदि इन कहीं और घटनाओं में भी शामिल होते हैं तो उसके विरुद्ध और धाराएं बढ़ाई जाकर कार्रवाई की जाएगी। कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली मियाना कस्बे में,
जहां एक और गणेश जी के डोल विसर्जन और ताजी एक साथ निकाले गए। दोनों ही मजहब के लोगों ने एक दूसरों को भरसक सहयोग प्रदान किया, जिससे आने वाले समय में इस एकता की मिसाल दी जा सके। ऐसा पहली बार था जब म्याना में डोल विसर्जन और ताजी एक साथ निकाले गए। जहां एक और हिंदू भाइयों ने निकल रहे ताजियों को कंधा दिया, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम भाइयों ने गणेश जी के विसर्जन करने जा रहे डोल में भी अपना सहयोग प्रदान किया। जगह जगह मुस्लिम भाइयों ने डोल का स्वागत भी किया एवं हिंदू भाइयों ने ताजियों का मान रखा। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आज से नहीं, शुरू से ही परंपरा चली आ रही हिंदू मुसलमानों की एकता की, सभी लोग मुसलमानों का त्यौहार पे हिंदू लोग स्वागत करते हैं और हिंदुओं के त्यौहारों पे मुसलमान भाइयों ने भी कल डोल 11 के दिन मस्जिद प्रांगण में सभी मेहमान एक जगह इकट्ठे हुए और सभी मुसलमान भाइयों ने इसके लिए जोरदार स्वागत किया। और इसी बीच अपने जो कीर्तन भजन मंडली ने अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के उसमें शान में बहुत अच्छी कव्वाली और भजन पढ़ा, इससे पूरी इस हिंदू मुसलमान की तहजीब जहाँ म्याना में है वो एकता है हिंदू मुसलमानों में, ऐसी हमने कहीं भी नहीं देखी। आगे आगे विमान चल रहे थे डोल 11 के और पीछे पीछे ताजिया, बहुत अच्छा लग रहा था। ये 36 साल में मौका आया है, अब आने वाले 36 साल में फिर मौका आएगा। इस बीच में आज जो हम बीच में बैठे हैं 36 साल में रह ना रहे लेकिन बहुत अच्छा रहा। हमारे यहाँ म्याना में पहले से ही स्वागत हो रहा है, जब कई सालों से जब हम बहुत छोटे छोटे थे, जब हमारे बुजुर्गों ने भी परंपरा डाली है, हमारे वालिदों ने और हमारे बुजुर्गों ने हिंदू भाइयों ने भी हमारे म्याना में भी हिंदू अपने चरणदास जी हैं साहब साहब, वो बेहतरीन ताजिए बनाते हैं, वो दिल से काम करते हैं, उनको बहुत अच्छा ताजिए बनाए। हमारी परंपरा हम बुजुर्गों से मिली हुई है, जो बुजुर्गों ने इस परंपरा को कायम रखा है उसके नक्शे कदमों पे हम लोग इस परंपराओं को हिंदू मुसलमान जो सभी धर्मों ने मिलके डोल 11 एवं ताजियों को एक साथ मिलकर बड़े शानों और शौकत और जुनून के साथ इस समारोह को निकाला गया, जिसमें ताजिए व विमान एक साथ मिलकर एक अंजुमन इस्लाम कमेटी की यहाँ पर इमाम बाड़े पर एकत्रित हुए, जो एक अनूठी मिसाल रही है। मैं सभी हिंदुस्तान वासियों को अनुरोध करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमेशा एकता और अखंडता को कायम और बरकरार बनाए रखें। बहुत ही धूमधाम से डोल 11 और ताजियों का पर्व मनाया गया, जो कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब का एक सजीव उदाहरण था। बहुत ही खुशी हुई कि दोनों समुदाय के लोगों ने ताजियों के अवसर पर हिंदू लोगों ने और डोल 11 के अवसर पर मुस्लिम भाइयों ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण मिलकर त्यौहार मनाए, जो कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब के साथ सामाजिक ताने बाने का प्रतीक है।
मैं बहुत बहुत दोनों समुदाय के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। शहर में बड़े ही धूमधाम से निकले डोल, वहीं पुलिस की मुस्तैदी देखी गई। डोल ग्यारस के मौके पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी डोल निकाले गए, जिसमें विभिन्न झांकियों ने अपना सहयोग प्रदान किया। साथ ही शहर में चल रहे सभी अखाड़ों ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया। जगह जगह पर स्वागत सत्कार भी किया गया एवं कौमी एकता की मिसाल भी पेश की गई। किसी तरह का कोई तनाव या कोई मतभेद इस दौरान देखने को नहीं मिला। वहीं पुलिस भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस प्रशासन ने भी सभी को सहयोग प्रदान किया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा चलाया जा रहा है एक शिविर सफलता के तीन कदम एवं तनाव मुक्ति शिविर के नाम से इसे चलाया जा रहा है। दो दिवसीय शिविर में ब्रह्म कुमारी प्रभा मिश्रा के द्वारा किस तरह से तनाव मुक्त रहा जाए एवं अपने जीवन को किस तरह से सफल बनाया जाए इसके ऊपर ज्ञान दिया जा रहा है। बता दें कि ब्रह्म कुमारी प्रभा मिश्रा सुप्रसिद्ध धार्मिक सीरियल रामायण में मंदोदरी का किरदार निभा चुकी है। इस शिविर में ब्रह्म कुमारी आश्रम से संबंध रखने वाले सभी अनुयायी उन्हें बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं एवं धर्म लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इतने अंदर जंगल में चले गए कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। रास्ता बताते राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, तुम इस तरफ जाओ, अगर कोई दिख जाए जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता। सिपाहियों ने कहा, एक ने इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता सकता है? उस व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, अपना सिर इस तरह से हिला दिया। सिपाही वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद राजा के मंत्री भी पूरा जंगल देखा, कोई नहीं मिला। वो आप इस तरफ जाओ, अगर कोई मिल जाए तो बिगुल बजा देना, सब इकट्ठे हो जाएंगे और जंगल से बाहर निकल जाएंगे। और राजा ने कहा, मैं सामने की तरफ जाता हूँ। इस तरफ सिपाही कहते मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा किए गए शिक्षक सम्मान समारोह को आयोजन होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में लोकप्रिय विधायक पन्नालाल शाह एवं शिरोमणि दुबे मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को पिछले कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों का सम्मान भी किया जाता है। अब
शर्मा जैसे कि है ना, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की परंपरा रही है कि जो शिक्षक अपने सेवा काल को पूर्ण करके सेवा निवृत्त होते हैं, हमारे संगठन द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। उसी सम्मान के तारतम्य में आज टूटन नामलू में सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उनका सम्मान करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पूर्णालाल विधायक पुनः लाया गया है। विशिष्ट अतिथि में श्रोमणी दुबे वो मौजूद रहेंगे और वो उनको सम्मानित करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर श्री चतुर्वेदी जी वो मौजूद रहेंगे। वो सभी जो शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो गए, आज उनका हम नारियल काफी जो शिक्षक संघ से जो बन रहा है भेंट के स्वरूप लिफाफा स्वरूप उनको दे करके हम आज उनका सेवानिवृत्त सम्मान जो समारोह में सम्मान चांचौड़ा बीनागंज में मनाया जा रहा डोल ग्यारस का महोत्सव। भारतवर्ष के प्रदेश में अनेक धार्मिक परंपराएं हैं। इन परंपराओं में आज हम आपको चांचौड़ा बीनागंज में मनाए जाने वाले डोल ग्यारस के प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव से रूबरू करा रहे हैं। जिले के चांचौड़ा बीनागंज क्षेत्र में प्रतिवर्ष डोल ग्यारस के अवसर पर देवताओं के विमान धूमधाम से निकाले जाते हैं, जिसमें आसपास के लगभग 35 ग्रामों से ग्रामीण अपने इष्ट देवताओं को सुंदर सुंदर विमानों में बिठाकर नगर में नाचते गाते जुलूस निकालते हैं। इस जुलूस को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। डोल ग्यारस का जुलूस बस स्टैंड हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुआ, जिसमें भील समुदाय के द्वारा तेजाजी महाराज के झंडे भी लगाए गए। चांचौड़ा बीनागंज पुरातन काल में चंपावती नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ का बजरंग अखाड़ा पहले से ही प्रसिद्ध है। इस अवसर पर अखाड़े से जुड़े लोगों ने अपने कर्तव्य दिखाए। तेजाजी महाराज का निशान आता है, एक आता है डोरियापुरा से, एक आता है मेरे खेड़ी से और एक आता है मोती पीपला से। और जो अखाड़े निकलते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या क्या नाम लेते हैं अखाड़ों में? जय बजरंग अखाड़ा, ये चाचोड़ा का ही है। अखाड़ा कहाँ पे आके समाप्त होता है? बाग में बगीचे में, तालाब बगीचे में, तालाब पे यही पे विसर्जन होता है। बाबूलाल संत के यहाँ से ये बजरंग अखाड़ा आता है हनुमान जी का, और विमान भी आता है और तालाब पे आके ये, और चाचौड़ा चंपावती के विमान 35 विमान निकलते हैं और सभी समाज के हैं, मंदिर अलग अलग और सभी समाज के अलग अलग। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदीप की रिपोर्ट।
हजारों की संख्या में हर वर्ग के लोगों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदू धर्म के महापर्व डोल ग्यारस को बड़ी धूमधाम से मनाया। धरनावदा में समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर यह पर्व मनाया। इस मौके पर धरनावदा में 5 विमानों को सजाया गया। विमानों में श्री ठाकुर जी को सभी भक्तगण ढोल नगाड़े एवं डीजे एवं ढोल मजूरों के दोनों पर विमानों में पहले जल विहार के लिए निकलते हैं। इसके बाद साथ में अपने अपने गाँव में ठाकुर जी की पालकी लेकर गाँव में भ्रमण नाचते गाते हुए किया। भ्रमण के बाद ठाकुर जी को नदियों का जल विहार के लिए ले जाया जाता है। इस मौके पर श्री बजरंग अखाड़ा समिति द्वारा सजाया गया अखाड़ा, इस अखाड़े में सिरोंज आरोन भुलाए कबूलपुरा गोलीखेड़ी लक्ष्मणपुरा खिरिया बालामेट से ग्रामीण आए। अखाड़े में कई तरह के कर्तव्य दिखाए गए। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। आरोन एवं आसपास के क्षेत्रों में जल झूलनी एकादशी के मौके पर मंदिरों से भगवान जल विहार को निकले, साथ ही किया नगर भ्रमण जिनका जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत भी किया गया। साथ ही ग्राम रामपुर में आयोजित भजन संध्या ने सबका मन मोह लिया। भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान बजरंग अखाड़े के लोग भी हैरतअंगेज कर्तव्य दिखाते हुए नजर आए। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। उमरी में जल झूलनी एकादशी पर डोल विमान में ठाकुर जी को विराजित किया गया, जिसमें उमरी के हर मोहल्ले के विमान निकालकर जगह जगह एकत्रित हुए और सब विमानों को उमरी के तालाब में एक साथ में विसर्जन किया गया। यह त्योहार प्रतिवर्ष इसी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है।
से हमारे सहयोगी हेमंत ओझा की रिपोर्ट। जल झूलनी एकादशी पर बमोरी तहसील में सभी गांवों में जल झूलनी एकादशी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं सभी गांवों में ठाकुर जी को विमान में विराजित कर चल समारोह भी निकाला गया। साथ ही अपने अपने गांव की नजदीक नदियों में ठाकुर जी को जल विहार कराया गया। इसके साथ ही भगवान गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया गया। आज हमारे बमोरी तहसील में, तहसील के सभी गांवों में भगवान श्री गणेश जी का विमान निकाले गए और डोल ग्यारस के उपलक्ष में सभी ने एक साथ गांव के सभी मंदिरों के विमान एक साथ में आकर के और जल विहार कराया उनको, और बड़ी हर्षोल्लास से गांव वाले सभी एकत्रित होकर इस भगवान के उत्सव को हमारे ग्राम झागर में भी मनाया। बमोरी से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।